चैप्टर 9 चेंजिंग फैमिलीज क्लास 4 EVS लेट्स स्टार्ट हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फैमिलीज यहाँ पर कुछ परिवारों की पिक्चर दी गई है दीज आर द फैमिलीज ऑफ निमी शेरिंग एंड नजली यहाँ पर जो फैमिली है वो निम्मी की फैमिली है शेरिंग की फैमिली है एंड नजली की फैमिली है लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स आओ इन पिक्चर्स को देखते हैं टॉक अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस और बात करते हैं हमने क्या देखा उसके बारे में डिस्कस करते हैं अ न्यू अराइवल देयर इज अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमीज फैमिली देयर इज ग्रेट एक्साइटमेंट इन निमीज फैमिली निमीज फैमिली में निमी के परिवार में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है सी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर क्योंकि उसको एक छोटी सी बहन हुई है जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है और यहाँ पर बहन हॉस्पिटल में हुई है एक जो पिक्चर है वो हॉस्पिटल की है और दूसरे पिक्चर में दिखाया गया है निम्मी के परिवार में एक छोटी बेबी सिस्टर आई है चेंजिंग फैमिलीज अब यहाँ पर दो पिक्चर और दिखाई गई है जिसमें बेबी सिस्टर को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और फिर वे उसके बाद अपने घर आते हैं Look at the pictures and write. अब इन pictures को देखिए और लिखिए दोबारा से हम picture को observe करते हैं देखते हैं सबसे पहले ये hospital में जाते हुए फिर उसके बाद छोटी baby sister जन्म लेती है जन्म लेने के बाद अगले picture में दिखाया गया है कि निमी के परिवार वाले hospital से बाहर आते हैं और लास्ट पिक्चर में दिखाया गया है कि वे अपने घर जा रहे हैं लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट इन पिक्चर्स को देखिए और लिखिए हु वर द मेंबर्स ऑफ निमीज फैमिली बिफोर द अराइवल ऑफ आर बेबी सिस्टर तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हु वर द मेंबर्स ऑफ निमीज फैमिली निमीज के परिवार में कौन कौन मेंबर है बिफोर The arrival of baby sister के आने से पहले कौन कौन से मेंबर हैं Second, how many members are there in Nimi's family now? अब निमी के परिवार में कुल मेंबर कितने हैं तो इन दोनों ही क्वेश्चंस के आंसर आप अगली वीडियो में देख सकते हैं अभी के लिए आप अपनी ओर से इन पिक्चर्स को देखकर ऑब्जर्व करके आप आंसर बता सकते हैं आगे देखते हैं लेट अस टॉक आइए बातचीत करते हैं हाउ डू यू थिंक द लीव्स ऑफ निमीज फैमिली मेंबर्स हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ द न्यू बेबी हाउ डू यू थिंक आप कैसे सोचते हैं आप क्या सोचते हैं कि निमी के परिवार वाले लीव्स ऑफ निमीज फैमिली मेंबर्स हैव चेंज्ड आफ्टर द अराइवल ऑफ न्यू बेबी एक नए बच्चे के आने के बाद उसके परिवार में सदस्यों का रहने का ढंग बदल जाता है फॉर एग्जाम्पल जैसे हाउ विल निमी स्पेंड हर डे नाउ अब निमी अपना समय अपना दिन कैसे स्पेंड करती है कैसे बिताती है सेकंड व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ व्हाट न्यू वर्क अब कौन सा नया काम विल हर मदर डू नाउ उसकी मम्मी अब कौन सा नए नए काम कौन कौन से करेगी अब उसके लिए करने के लिए क्या क्या काम होंगे थर्ड देयर विल बी अ चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निमीज फादर ग्रैंड मदर एंड अंकल विद द अराइवल ऑफ न्यू बेबी कैन यू टेल हाउ तो यहाँ पर बताया गया है देयर विल बी अ चेंज इन द डेली वर्क ऑफ निमीज फादर ग्रैंड मदर एंड अंकल विद द अराइवल ऑफ न्यू बेबी के आने के बाद उनके अंकल उनकी दादी और उनके पिताजी निम्मी के पिताजी का जो डेली वर्क है वो कैसे बदल जाता है कैन यू
टेल हाउ, क्या आप बता सकते हैं कि कैसे। नेक्स्ट, हैज़ अ स्मॉल ब्रदर और सिस्टर बीन बॉर्न इन यूअर होम और इन यूअर हाउस इन यूअर नेबरहुड, क्या आपके परिवार में कोई छोटा बहन, छोटी भाई, छोटा भाई या छोटी बहन किसी ने जन्म लिया है या फिर आपके पड़ोस में किसी ने जन्म लिया है। हाउ डज इट फील टू हैव अ न्यू बेबी एट होम, वे कैसा महसूस करते हैं जब घर पर एक नया बेबी आता है। हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एट होम विद द न्यू बेबी, और नई बेबी के आने के बाद, न्यू बेबी के आने के बाद कैसे चीज़ें बदल जाती हैं, ये आपको बताना है। फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन यूअर होम और इन द होम ऑफ अ रिलेटिव देन राइट। अब आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके बारे में लिखना है। व्हेन वाज द बेबी बॉर्न, कि बेबी बॉर्न कब हुई थी। इज द बेबी अ बॉय और अ गर्ल, जो बेबी है वो बॉय है या गर्ल है। हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर, आप उससे कैसे संबंधित है, आप उनके क्या लगते हैं या वे आपके क्या लगते हैं। वेयर वाज द बेबी बॉर्न, बेबी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ। हु डज द बेबी लुक लाइक, बेबी किसकी तरह दिखाई देती है। वट इज़ द कलर ऑफ हिज ऑफ हर हेयर, उसका और या उसके बालों का कलर कैसा है। वट इज़ द कलर ऑफ हिज और हर आइज, उसकी आंखों का रंग कैसा है। डज द बेबी हैव एनी टीथ, क्या छोटे बच्चे के, बेबी के कोई टीथ है या नहीं है। वट डू वी फीड द बेबी विद, हम बेबी को कैसे खिलाते हैं, किसके द्वारा खिलाते हैं। एंड लास्ट वन इज वट इज़ द बेबीज लेंथ, बेबी की लंबाई कितनी है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में ज़रूर दूंगा। हाउ मैनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप, एक दिन में बेबी कितने घंटे तक सोता है। वट डिफरेंट साउंड्स डज द बेबी मेक, बेबी अलग अलग प्रकार के, कितने अलग अलग प्रकार के साउंड्स क्रिएट करता है। वट डज द बेबी स्टे विद मोस्ट ऑफ द टाइम, बेबी अपना अधिकतर समय किसके साथ स्पेंड करता है। स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और अ ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक, आपको अपनी कॉपी में या तो बेबी, न्यू बेबी की एक पिक्चर ड्रॉ करनी है या फिर आपको एक न्यू बेबी का फोटोग्राफ पेस्ट करना है, स्टिक करना है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। न्यू प्लेस, न्यू प्लेस। सेरिन्स फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस, सेरिन के पिताजी को उसके ऑफिस से एक लेटर प्राप्त हुआ। द लेटर सेड दैट, लेटर में कहा गया था कि ही वॉज बींग प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी, कि उनको प्रमोट किया गया है और अब उन्हें एक दूसरी सिटी में, दूसरे शहर में जाना है, अब उन्हें दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। When, जब सेरिंग्स फादर showed the letter to his family, जब सेरिंग के पिता ने वह लेटर अपने परिवार को दिखाया। How do you think the different members would have felt? How do you think, आप कैसे सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, the different members would have felt, कि अलग अलग मेंबर ने कैसा कैसा महसूस किया होगा, क्योंकि अब उन्हें वह घर छोड़कर जाना था, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है कि इस पिक्चर में वे अपना सामान पैक कर रहे हैं और अगले पिक्चर में बाय ट्रेन वे जा रहे हैं। व्हाट विल चेंज इन सेरिंग्स फैमिली आफ्टर हिज फादर्स ट्रांसफ़र, क्या परिवर्तन आता है, क्या चेंजेस आते हैं जब उसके पिता का ट्रांसफ़र हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे उदाहरण के लिए, Who from Sering's family will live with his father at the new place, which school will Sering go to now, will he have new friends। यहाँ पर बताया गया है कि Sering के पिता के साथ अब घर का कौन कौन सा सदस्य जाएगा,
शेरिंग कौन से स्कूल में पढ़ेगी और क्या अब उसके नए फ्रेंड्स होंगे या नहीं होंगे। हैज़ anybody in your family moved to a new place because of work? Has anybody in your family moved? क्या कोई भी आपके परिवार में move हुआ है एक नए place पर, एक नए स्थान पर, because of work, सिर्फ काम की वजह से? What do you feel about this change? आप इस परिवर्तन के बारे में क्या सोचते हैं? Is there anyone in your class or school who has come to your school from another place? क्या तुम्हारी क्लास में कोई ऐसा बच्चा आया है जो किसी और प्लेस से यहाँ आया हो? इफ सो टॉक टू हिम और हर, यदि हाँ तो आप उससे बातचीत कीजिए। वेयर हैज सी और ही कम फ्रॉम, वह कहाँ से आया है, कहाँ से आई है? व्हाट वाज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक, उसका पुराना स्कूल कैसा था? व्हाट डज किसके जैसा था? व्हाट डज ही और सी फाइंड डिफरेंट हीयर, उसने वहाँ पर और यहाँ पर क्या क्या अलग अलग चीज़ें देखी? एंड डज ही और सी लाइक द चेंज, क्या उसे जो परिवर्तन हुए, जो चेंजेस आए हुए पसंद है या नहीं है? इसी प्रकार के ये क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं चेंजेस के बारे में। आगे बढ़ते हैं। इट्स अ वेडिंग, ये समय है वेडिंग का। देयर इज ग्रेट जॉय इन नजलीज होम टुडे, आज नजली के घर में बहुत ज़्यादा मनोरंजन होने वाला है, मनोरंजन हो रहा है, मनोरंजन है, खुशी का दिन है। हर एल्डर कजिन ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड, हर एल्डर कजिन, उसके बड़े कजिन भाई की, बड़े भाई की आज शादी हो रही है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पर शादी हो रही है। लेट अस टॉक, आओ बातचीत करते हैं। डू यू थिंक डैट देयर विल बी एनी चेंज इन नजलीज फैमिली आफ्टर हिज वेडिंग, आप क्या सोचते हैं कि क्या नजली के परिवार में कोई परिवर्तन आएगा वेडिंग के बाद? व्हाट विल चेंज, क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या परिवर्तन आएंगे? डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम, What kind of changes? आप क्या सोचते हैं कि क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं जब एक घर में एक नई दुल्हन आती है? What kind of changes? तो किस किस प्रकार के changes आएंगे? Talk to your mother and aunts in the family. आप अपने परिवार में अपनी माता से, अपनी चाची से बातचीत कीजिए। Ask them, आप उनसे पूछिए। What about? Ask them about where they lived before they got married, वे कहाँ रहते थे उनकी शादी से पहले। Who were the members in their families then? Who were the members in their families then? और तब उनके परिवार में कौन कौन से सदस्य थे। Has anybody in your family been married recently? Who? क्या आपके परिवार में कोई ऐसा शख्स है जिसकी हाल ही में शादी हुई हो, कौन है वो? Talk to your classmates, अपने सहपाठियों से बातचीत कीजिए। And write all about what happens during weddings in their families, आपको बातचीत करनी है और पता करना है कि क्या होता है परिवार में, उनके परिवार में जब वेडिंग हो रही होती है, वेडिंग होती है। What kind of special food is cooked, किस प्रकार का विशेष खाना बनाया जाता है? What special clothes do the bride and bridegroom wear, दुल्हा और दुल्हन कैसे, क्या क्या स्पेशल विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं? व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग, और वेडिंग के दौरान कौन से डांस और कौन से गाने गाए जाते हैं? व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंडेड, व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा एट द वेडिंग, वेडिंग पर, दैट यू अटेंडेड, जो भी आपने अटेंड की हो, जिस भी वेडिंग में आप शामिल हुए हो। ड्रॉ सम पिक्चर्स इन योर नोटबुक, आप अपनी नोटबुक में कुछ पिक्चर्स ड्रॉ कीजिए। देन और तब, लुक एट द पिक्चर्स ड्रॉन बाय योर क्लासमेट्स, और फिर आप पिक्चर्स देखिए जो आपके क्लासमेट्स के द्वारा ड्रॉ की गई है। वी सॉ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फैमिलीज ऑफ निमी, वी सॉ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फैमिलीज
of Nimmi, Sharing and Nazli because of different reasons. हमने देखा कि Nimmi, Sharing and Nazli इन सभी के परिवार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से परिवर्तन आए, लेकिन उनके कारण अलग अलग थे. Write down the reasons for these changes. आप इन परिवर्तनों के कारण बताएंगे. First, in Nimmi's family. Nimmi के परिवार में परिवर्तन किस वजह से आए, किस कारण से आए. In Sharing's family, Sharing के परिवार में. In Nazli's family, और Nazli के परिवार में ये changes कैसे आए. There can be many reasons for changes in families. There can be many reasons. क्या बहुत सारे कारण हो सकते हैं for changes in family, परिवार में परिवर्तनों के. Can you think of some more reasons? क्या आप इनके अलावा कुछ और reason भी, कोई और कारण भी बता सकते हैं कि परिवर्तन आ जाए. आपको इसी प्रकार के ये सभी questions के answer मैं आपको अगली आने वाली video में बताऊंगा. अभी हम सिर्फ डिस्कस करेंगे पार्ट को. माई फैमिली यस्टरडे, टूडे एंड टुमारो. मेरा परिवार कल, आज और कल, आने वाला कल. ऑल फैमिलीज चेंज इन सम वे और द अदर. सभी परिवारों में परिवर्तन आता है, किसी में किसी वजह से और किसी परिवार में किसी वजह से. बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग कारणों की वजह से. हैज़ योर फैमिली चेंज्ड टू, क्या तुम्हारे परिवार में भी परिवर्तन आया है. व्हेन योर ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर वर चिल्ड्रन लाइक यू, जब तुम्हारे दादा दादी तुम्हारी तरह बच्चे थे. वाज योर फैमिली जस्ट लाइक इट इज टूडे, क्या तुम्हारा परिवार आज भी वैसा ही है. Do you remember the picture of Sitamma's family tree which we saw in class 3? क्या आपको याद है सीतम्मा परिवार की वह पिक्चर, ट्री की पिक्चर, विच we saw in class 3, जो हमने क्लास 3 में देखी थी. You had also drawn a family tree of your own family. You had also drawn a family. आपको family tree of your own family. आपको अपनी family, उसी तरह की family को draw करना है, आपको बनाना है. Let us again draw the family tree. आपको एक family tree दोबारा से बनाना है. Of last year in your notebook. जैसे कि last पिछले साल आपने अब third class में आपने अपनी कॉपी में, नोटबुक में एक फैमिली ट्री बनाया होगा, तो इस बार भी आपको अपनी नोटबुक में एक पेंटिंग, एक ड्रॉ करना है, पिक्चर ड्रॉ करनी है. और वो पिक्चर किसकी होनी चाहिए, फैमिली ट्री की होनी चाहिए. ये इसी प्रकार के कई क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, जिनके जवाब, जिनके आंसर्स मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा. लेट अस टॉक, कैन यू टेल इन व्हाट वेज द फैमिली ट्री of your grandmother or grandfather in your childhood is different from your family tree today. क्या आज जो तुम्हारे परिवार का पेड़ है, family tree बनाया है, और आपके दादा दादी के समय में family tree जो बना था, क्या उसमें कोई difference है, क्या उनमें कोई changes हुआ है. Going back to school. स्कूल में जाते समय, बहुत पहले स्कूल में जाते थे, तो स्कूल में वापस जब हम जाते हैं तो क्या होता है. अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी, आप किस क्लास तक पढ़ना चाहते हैं. अप टू विच क्लास डू यू वांट टू स्टडी, अप टू विच क्लास हैव यू पेरेंट्स स्टडीड, आपके माता पिता ने किस क्लास तक पढ़ाई की है. टिल विच क्लास डिड यूर ग्रैंड मदर गेट अ चांस टू स्टडी, कौन सी क्लास तक आपके माता पिता को अवसर मिला है स्टडी करने का, पढ़ने का. एट वाट एज डिड योर ग्रैंड मदर गेट मैरिड, और किस एज में आपके दादा की, दादी की शादी हो गई थी. हैव यू हियर्ड ऑफ अ लॉ डेट टॉक्स अबाउट द एज बिफोर विच गर्ल्स एंड बॉयज मस्ट नॉट गेट मैरिड,
क्या आपने कभी एक ऐसे कानून के बारे में सुना है जो हमें ये बताता है कि एक फिक्स एक निश्चित एज से पहले लड़के या लड़की की शादी नहीं हो सकती। लड़के और लड़की की शादी होने के लिए एक फिक्स एज डिसाइड की गई है, वो ये एज आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, देयर आर मैनी गर्ल्स हु गेट मैरिड बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड। देयर आर मैनी गर्ल्स, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़की है हु गेट मैरिड, जिनकी शादी हो गई है बिफोर दे आर 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल की उम्र होने से पहले ही उनकी शादी हो गई। मैनी ऑफ देम हैव टू इवन लीव स्कूल, मैनी ऑफ देम उनमें से कई हैव टू इवन लीव स्कूल, कई लड़कियों को तो स्कूल छोड़ना पड़ा। देयर आर मैनी ट्रू स्टोरीज ऑफ गर्ल्स लाइक सुशीला ऑफ रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट, और ऐसे बहुत सारी लड़कियों की अलग अलग कहानी है जिन्होंने शादी के बाद पढ़ाई की लेकिन 18 उम्र से पहले उनकी शादी हो गई और इसी वजह से उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। हु आर गोइंग बैक टू स्कूल, कौन है जो स्कूल एक उम्र हो जाने के बाद स्कूल वापस जाता है पढ़ने के लिए या अपनी पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू करता है। सी आल्सो गॉट द हेल्प ऑफ द पंचायत, द पंचायत सेड दैट यंग चिल्ड्रन शुड प्ले एंड स्टडी एंड नॉट बी मैरिड ऑफ। पंचायत ने उनकी मदद की, पंचायत ने कहा कि छोटे बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, खेलना चाहिए, उनकी शादी नहीं करानी चाहिए। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश होल्ड्स स्पेशल कैंप टू हेल्प मैरिड गर्ल्स टू गो बैक टू स्कूल, और आंध्र प्रदेश में लोगों के ग्रुप ने स्पेशल एक कैंप चलाया था जिसमें लोगों को सलाह दी गई थी, लोगों को समझाया गया था, लोगों को ये बताया गया था कि लड़कियों की शादी कम एज में कम उम्र में नहीं करनी चाहिए, उन्हें वापस पढ़ाई पर भेजा जाना चाहिए। गंगा माँ एंड चिट्टी से, गंगा माँ और चिट्टी कहती है वी वुड लाइक टू स्टडी, हम पढ़ना पसंद करते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, एंड स्टैंड ऑन आवर ऑन फिट, और हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। फाइंड आउट एंड राइट, अब इन क्वेश्चंस को पढ़िए और इनके आंसर्स दीजिए। तो इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर मैं आपको अगली आने वाली वीडियो में बताऊंगा। इसी के साथ आज हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आई होप आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।